5, 4, 3, 2, 1। महोदय, आज के इस समारोह का अपना अलग महत्व है। पंचायत भारतवर्ष की एक बहुत पुरानी संस्था है और जैसा अभी कहा गया, इन्हीं पंचायतों के कारण ही भारतवर्ष अब तक जीवित रह सका है। हम पर बाहर से बार बार आक्रमण हुए, विदेशियों की विजय हुई, पर ग्राम पंचायतें अपने स्थान पर ज्यों की त्यों बनी रहीं। अंग्रेजी शासन के विस्तार के फलस्वरूप अन्य संस्थाओं के बिखर जाने के साथ साथ ये पंचायतें भी नष्ट हो गईं। जिस समय हम लोग ब्रिटिश सरकार से भारत के लिए स्वराज्य प्राप्त करने के प्रयत्न में लगे हुए थे, उस समय गांव-गांव में जो कांग्रेस कमेटियां स्थापित हुई, वे एक प्रकार से पंचायतें ही तो थीं। पर उस समय हमारे हाथों में अधिकार नहीं था और जो पंचायतें स्थापित हुईं, वे जनता की इच्छा से ही स्थापित हुईं। हमारे हाथों में जब अधिकार आया तो उस समय ये ग्राम पंचायतें सभी स्थानों पर थीं। संविधान बनाते समय भी यही सोचा गया कि ऊंची व्यवस्थापिका सभाओं तक पहुंचने के लिए पंचायतें ही सबसे पहली कड़ी होंगी। उसके बाद सभी प्रदेशों और राज्यों की सरकारों ने पंचायत संबंधी कानून पास किए और पंचायतें स्थापित होने लगीं। इस समय प्रायः सभी राज्यों में पंचायतें हैं। यह दूसरी बात है कि कहीं पर उनका काम भली भांति चल रहा है और कहीं उतने सुचारू रूप से नहीं चल रहा। आज यह सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आपके इस राज्य में पंचायतों को ठीक रूप से चलाने पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। जिनका काम सबसे अच्छा और सुंदर समझा जाता है, उनको पुरस्कार दिया जाता है। इसलिए मैंने आपकी ओर से आज 2-4 पंचायतों के मुखिया लोगों को अनुदान दिया। मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूं कि उनका काम 4000 ग्राम पंचायतों में सबसे अच्छा समझा गया। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि पहले की हमारी पंचायतें क्यों मिट गईं। हमारे देश में पंचायतें परंपरा से चली आ रही थी। अंग्रेजों ने भी मुक्त कंठ से इस बात को स्वीकार किया कि भारत का प्रत्येक गांव गणराज्य था। पर एक समय आया जब गांव स्वतंत्र गणराज्य न रहे और देश परतंत्र हो गया। इसका कारण हम में कमजोरियों का आना था। हमें उन कमजोरियों से अभी भी बचते रहना चाहिए, जिससे फिर से वह दिन न देखना पड़े। वह कमजोरी थी उन पंचायतों का संकीर्ण दृष्टिकोण। लोगों ने पंचायतों की परिधि के क्षेत्र को ही अपना देश माना और इस कारण जब एक पंचायत पर आक्रमण हुआ तो दूसरी पंचायतों ने उसकी रक्षा में हाथ बटाना अपना धर्म नहीं समझा। इसी प्रकार विदेशियों ने एक एक पर आक्रमण करके सारे देश पर अपना अधिकार कर लिया। हमारे शत्रुओं ने हमारे पारस्परिक वैमनस्य और भेदभाव से भी लाभ उठाया। अभी हाल में जब भाषावार राज्यों का प्रश्न उपस्थित हुआ तो गांव की छोटी छोटी पंचायतों ने जैसी सम्मतियां प्रकट की, उनसे यह स्पष्ट हो गया।